लोग जो जोड़ों के खराब होने की स्पीड है उसको कम कर सकते हैं और मरीजों को बचा सकते हैं सर्जरी से। नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाय, मैं डॉक्टर रचित मेहता, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड अ स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओपीडी में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के साथ मरीज आता है, जो होता है जोड़ों का दर्द, या अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूं, पॉलीआर्थ्राइटिस, मल्टीपल जॉइंट पेन। मरीज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को जोड़ों में दर्द है, हर जोड़ में दर्द है, घुटने में, कूल्हे में, कंधे में, शरीर में दर्द रहता है, थकावट रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि दिन भर आराम करते रहें। तो इसको हम लोग जॉइंट पेन या पॉलीआर्थ्राइटिस करके ट्रीट करते हैं। अब इसके कई सारे कारण होते हैं और इसका कारण समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। मैं पहले नॉन स्पेसिफिक या जनरल कॉजेस से स्टार्ट करूंगा, जैसे कि कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अब विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। आजकल बहुत ही कॉमन देखा गया है, क्योंकि हर कोई घर में है, ऑफिस में काम कर रहा है, बच्चे भी ज्यादा बाहर नहीं खेल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इसके लिए हम लोग कई बार विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर विटामिन डी बहुत ज्यादा कम होता है तो कभी कभी इंजेक्शन भी देना पड़ता है, और अगर विटामिन डी एक बॉर्डर लाइन पर है या कैल्शियम बॉर्डर लाइन पर है तो हम लोग सिर्फ खान पीन के या फूड आइटम्स की मदद से उसकी पूर्ति करते हैं। बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का दूध, पनीर, चीज, कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में ठीक रहेगी तो हमारा जो हड्डियों का ढांचा है उसको सपोर्ट मिला रहेगा। अगर सपोर्ट मिला रहेगा तो जो जोड़ों का दर्द, थकावट, ये हम लोगों को या किसी भी इंसान को परेशान नहीं करेगी। दूसरा, जो इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी के ढांचों की कमजोरी होना, उम्र के साथ हड्डी का कमजोर हो जाना। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हड्डी हमारे शरीर की जड़ें हैं। जितनी मजबूत हमारे शरीर की जड़ें होंगी उतना ही मजबूत हमारा शरीर होगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में, जिनमें मेनोपॉज हो गया है और एकदम से कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है, और एज अ रिजल्ट हड्डियां भी हमारी कमजोर होने लगती हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को सही टाइम पे पहचानें, डायग्नोज करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। इसके इलाज में हम लोग सही डाइट ले सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं, और जो सबसे जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, व्यायाम करना, सुबह या शाम को मेक श्योर करना कि हम आधे घंटे से 45 मिनट वॉक करें। आजकल कई प्रकार की और ड्रग्स और मेडिसिन्स आ गई हैं जिसको हम लोग इसको इस्तेमाल करके हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत अच्छा और टाइम पे और सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को निग्लेक्ट करते हैं तो इसको एक साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब यह है, कई बार बहुत ही कॉमनली देखा गया है कि ओपीडी में मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे को बहुत दर्द है पूरे शरीर में और दो दिन से माताजी मेरी चल नहीं पा रही है। जब पूछते हैं तो क्या हुआ, कुछ नहीं, कुर्सी से उठने की कोशिश करी और उसके बाद से बहुत दर्द हुआ पैर में और चल नहीं पा रही। जब हम लोग एक्सरे कराते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्चर हो गया होता है। अभी फ्रैक्चर किसी चोट लगने की वजह से नहीं होता, लेकिन इसलिए होता है कि हड्डी इतनी कमजोर हो गई कि वो शरीर का भारी नहीं उठा पाई, जिसकी वजह से उस हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानना और उसको सही समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत 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 जरूरी है। दूसरा और कॉज है जिसको यूरिक एसिड की बढ़ोतरी की वजह से होता है। यूरिक एसिड बेसिकली हमारे शरीर में एक बाय प्रोडक्ट है जो कि पेशाब के रास्ते सिक्रीट आउट होता है। जब हमारे शरीर में एंजाइम्स और हॉर्मोन्स ऐसे बनना बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड को बाहर
सिक्रीट आउट नहीं कर पाते तो यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है और यूरिक एसिड फिर जाके क्रिस्टलाइज होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनके वो अलग अलग जोड़ों में जाके डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द होने लगता है। यूरिक एसिड के इलाज के लिए खूब सारा पानी पिए, कोई भी हाई प्रोटीन डाइट, स्पेशली प्रोटीन जो कि एनिमल सोर्स प्रोटीन है, रेड मीट, मटन, लैम्ब, चिकन, इसको अवॉइड करें और प्रॉपर एंटी यूरिसिमिक ड्रग्स को हम लोग लें, जिससे कि यूरिक एसिड का सिक्रीशन हम लोग इंक्रीज कर सकें और यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में नॉर्मल ला सके। अगर यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ी हुई रहेगी तो जोड़ों का दर्द बना रहेगा, सूजन बनी रहेगी और मरीज को आराम नहीं मिलेगा। अगले कॉज की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, या अगर मैं हिंदी में बोलूं तो घटियावाही। ये ज्यादातर 50-55 के बाद कॉमनली हम लोगों ने देखा है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घुटना इन्वॉल्व होता है। कई बार कुछ लोगों का हिप यानी कि कूल्हा, हाथों के जोड़, उंगलियों के जोड़, ये भी इन्वॉल्व होने लगते हैं और धीमे धीमे जोड़ खराब होने लगता है। अब जोड़ खराब होने का मतलब ये होता है कि हमारे हर जोड़ में भगवान ने कंफर्टेबल मूवमेंट के लिए एक लुब्रिकेशन दिया हुआ है, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, या हिंदी या आम भाषा में अगर बोलें ग्रीस। जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के लिए कंफर्टेबल चेन की चाल चलने के लिए उसमें ग्रीस लगाया जाता है, उसी तरीके से हमारे हर जोड़ में कार्टिलेज होता है, जिससे कि हमारे जोड़ों की मूवमेंट कंफर्टेबल और पेन फ्री रहे। जब उम्र की वजह से या कई और कारणों की वजह से, जैसे यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या किसी प्रकार का और आर्थराइटिस होने की वजह से वो कार्टिलेज घिसने लगता है, तो हमारे जोड़ खराब होने लगते हैं, पैर टेढ़े होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, चलने में या काम करने में परेशानी होने लगती है। अब ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, जोड़ खराब होना शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग सीधा जोड़ बदलने का ऑपरेशन करें। अगर सही समय पे इसको पहचान लिया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए, तो हम लोग कई ट्रीटमेंट की मदद से, दवाइयों की मदद से, इवन आजकल घुटनों में या बाकी जोड़ों की मदद से एक बहुत ही रीसेंट न्यू मोडालिटी आ गया है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP थेरेपी। इससे हम लोग जो जोड़ों के खराब होने की स्पीड है उसको कम कर सकते हैं और मरीजों को बचा सकते हैं सर्जरी से। लेकिन अगर कोई मरीज, किसी को ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कहने का अर्थ यह है कि जिसका जोड़ पूरी तरीके से खराब हो चुका है, कार्टिलेज पूरी तरीके से घिस चुका है, दर्द है, पैर टेढ़े हैं, तो उस केस में सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल न्यूअर टेक्नोलॉजीज की मदद से, लेटेस्ट इम्प्लांट्स की मदद से टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट या टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट या फॉर दैट से कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट से एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल हम लोग मरीजों को दे सकते हैं। अब वो समय चला गया कि सर्जरी के बाद मरीज 7-7 दिन, 1-1 महीना लेटा रहता है, आराम करता रहता है, अब वो नहीं है। आजकल इतने अच्छे इम्प्लांट्स हैं कि पोस्ट सर्जरी नेक्स्ट डे मरीज अपना चलता है, काम करना शुरू करता है, बाथरूम जाता है और विद इन 3 वीक्स, मतलब 1 महीने से भी कम समय में मरीज अपना रूटीन एक्टिविटी में आ जाते हैं। और आजकल ये सर्जरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें लाइफस्टाइल सर्जरीज कहते हैं। अगर हम लोग टाइमली अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है और उसकी सर्जरी कर देते हैं, तो मरीज का लाइफस्टाइल, मरीज की लॉन्जेविटी, मरीज की उम्र बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज। अगर रोज हम लोग सिर्फ आधे घंटे से 40 मिनट एक्सरसाइज करें या वॉक करें, हम लोग अपने शरीर को, अपने जोड़ों को और लंबा समय और लंबा जीवन दे सकते हैं और डेफिनेटली ऑपरेशन से बच सकते हैं। सो इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन मैं ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार का जोड़ों के दर्द को हल्के में ना लें, आए अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें, मिलें, एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं। अगर सही समय पर और सही डायग्नोसिस बन गई तो हम लोग उस आर्थराइटिस को, उस जोड़ों के दर्द को वहीं पर रोक सकते हैं
और उसको प्रोग्रेस करने में उसको डिले कर सकते हैं और डेफिनेटली हम लोग आपको एक सर्जरी से बचा सकते हैं। अननेसेसरी इसका वेट ना करें खराब होने के लिए कि और बीमारी होगी तब हम डॉक्टर के पास जाएं। सही समय पर आएं, सही डायग्नोसिस बनवाएं ताकि आप लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें और एक बेटर लाइफ जी सकें। थैंक यू।